मैं भिड़े गुरु जी का बहुत आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया था, उन्होंने मुझे हुक्म किया था। और आप लोग आदि हैं बड़े गुरु जी के हुक्म सुनने के और पालन करने के। मैं भिड़े गुरु जी को बहुत सालों से जानता हूं। और हम जब समाज जीवन के लिए कार्य करने के संस्कार प्राप्त करते थे तो हमारे सामने भिड़े गुरु जी का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता था। उनकी सादगी, उनका कठोर परिश्रम, ध्येय के प्रति समर्पण और अनुशासन शब्दों में नहीं जीवन में। अगर कोई भिड़े गुरु जी को बसमत मिल जाए, रेलवे के डिब्बे में मिल जाए तो कल्पना नहीं कर सकता कितने बड़े महापुरुष हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं, अंदाज नहीं कर सकता है। मंच पर बहने के बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, नीचे जाके बैठ गए। मेरा मन करता था मैं आग्रह करूं, लेकिन पता नहीं वो मेरे आग्रह को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मेरे मीडिया के मित्रों को शायद पता नहीं होगा, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर एंड गोल्ड मेडलिस्ट रहे। लेकिन ऐसे तपस्वी लोगों का चेहरा टीवी पर नहीं दिखाई देता है। उनके त्याग, उनकी सादगी, उसकी चर्चा हमारे देश में पता नहीं कब होगी, मैं नहीं जानता हूं। और वे ये तपस्या कैमरा वालों को बुला करके नहीं करते हैं, वे इन आदर्शों को जीते हैं। और जब निकट जाते हैं तो पता चलता है कि इतना बड़ा त्याग, वन लाइफ वन मिशन। और मैं भिड़े गुरु जी के आदेश का पालन न करूं, ये कैसे संभव हो सकता है? उनकी तपस्या में, उनके शब्दों में वह ताकत है कि जिसके कारण मेरे जैसे अनेक लोग हैं जो उनके प्रति हमेशा नतमस्तक होते हैं।